हेलो वेलकम बैक टू स्टडी टू सेवन स्टडी टू सेवन में आप सबका स्वागत है टुडे वी हैव कंपाइल्ड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स फ्रॉम द वेरियस क्वेश्चन पेपर्स दैट हैव इन द वेरियस ईयर्स तो पिछले कुछ सालों में टीपीएससी के कंडक्ट किए गए जो जो एग्जाम्स हैं उनमें जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चन हैं सिनोनिम्स मोर इम्पोर्टेंटली तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया है और तो क्वेश्चंस को एक के बाद एक देखते हैं लेट्स स्टार्टेड विद द सेशन तो फर्स्ट वन राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी तो हमको करेक्ट सिनोनिम चूज करना है ऑलवेज थ्रिफ्टी थ्रिफ्टी का मतलब होता है किसी भी रिसोर्स या फिर मनी उसके यूज और स्पेंडिंग या सेविंग उसमें केयरफुल मैनेजमेंट तो अगर कोई मैनेजमेंट करता है केयरफुल मैनेजमेंट करता है फॉर मनी एंड रिसोर्सेस उसको हम बोलते हैं थ्रिफ्टी सो द करेक्ट सिनोनिम वुड बी ऑप्शन बी इकोनॉमिकल कुछ और सिनोनिम्स जो थ्रिफ्टी के हो सकते हैं दो हजार फ्रूगल फ्रूगल प्रोविडेंट और स्पेरिंग तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो नियर सिनोनिम्स होते हैं थ्रिफ्टी के और अगर हम एंटोनिम की बात करें तो प्रोडिगल प्रोफ्लिगेट और स्पेंड थ्रिफ्ट ये कुछ वर्ड्स हैं जो थ्रिफ्टी के एंटोनिम्स हम मान सकते हैं नेक्स्ट हिज सेलिब्रियस वर्ड्स calmed द स्टूडेंट्स करेक्ट सिनोनिम हमको निकालना है सेलोब्रियस का मतलब होता है बेनिफिशियल टू हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड तो हेल्थ या फिर माइंड के लिए जो बेनिफिशियल है जो अच्छा लगता हो हम लोगों को जो रिस्टोरेटिव काइंड ऑफ वर्ड्स या फिर काम होते हैं उसको कहा जाता है सेलुब्रियस सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन बी प्लेजेंट इसके अलावा कुछ और सिनोनिम्स हो सकते हैं सिंपली बीइंग गुड हेल्दी और रिस्टोरेटिव ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो नियर सिनोनिम्स हो सकते हैं और एंटोनिम्स अगर हम बात करें एंटोनिम्स की तो हम यूज़ कर सकते हैं इन्सेलोग्रियस और साथ में नॉक्शियस एक नियर एंटोनिम है अनहेल्दी भी हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं एज एन antonym of salutius. next he felt desolated after he lost his business desolated iska uh, matlab hota hai annihilated ya fir uh, destroyed usko uh, is word mein iska jo meaning convey karta hai इस सेंटेंस में particularly ये convey करता है कि उसके business के loss के बाद uh, जब उसका business उससे लॉस्ट हुआ तो ही वॉज डिस्ट्रॉयड और वी वुड से ही वॉज डिमोल तो कुछ द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन ए डेजर्टेड और उसके कुछ नियर सिनोनिम्स हो सकते हैं एनाईहलेटेड इफ वी कंसिडर द नाउन फॉर्म डिजोलेशन इट वुड बी एनाई तो यहाँ पे Uh, जो जैसा फॉर्म है उसका सिनोनिम हम यूज करेंगे उसके नियर uh, सिनोनिम्स हम यूज करने की ट्राई करेंगे और साथ में हो सकता है डिस्ट्रॉयड और डिमोलिस्ड दीज आर सम वर्ड्स विच आर नियर सिनोनिम्स फॉर द वर्ड डिजोलेटेड और एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो हम यूज कर सकते हैं बिल्ट या फिर कंस्ट्रक्टेड या फिर हम यूज कर सकते हैं एक और वर्ड है रियरिंग तो रियर जो फॉर्म है रियरिंग का या फिर रियर का इन सबको हम नियर के जगह पे यूज कर सकते हैं अगर वर्ड है या फिर डिसोलेटेड नेक्स्ट डोंट condone सच acts विच lead टू unrest इन द कंट्री condone इसका मतलब है टू डिमिस एज ऑफ लिटल इम्पोर्टेंस मतलब किसी भी बात को या काम को ऐसे डिसमिस कर देना इम्पोर्टेंस नहीं देना क्योंकि ऐसा किसी को लगता है कि ये जो बात है या फिर ये जो आइडिया है या, या फिर जो काम है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है तो उस ऐसे एक्ट को हम बोलते हैं कॉन्डन और द करेक्ट आंसर हि ऑप्शन डी विच इज ओवरलुक इसके अलावा uh, कुछ और सिनोनिम्स नियर सिनोनिम्स हो सकते हैं टू ब्रश ऑफ या फिरिगार्ड हो सकता है या फिर एक सिंपल वर्ड है इग्नोर तो ये सारे हैं कुछ नियर सिनोनिम्स वेर एज वेन वी टॉक अबाउट द एंटोनिम इट वुड बी टू मार्क हम यूज करते हैं टू मार्क द वर्ड तो मार्क एक वर्ड है जिसको हम नियर एंटोनिम के लिए यूज कर सकते हैं या फिर नोट और या फिर हीड ये कुछ वर्ड्स हैं जो हम नियर एंटोनिम के लिए यूज कर सकते हैं इफ़ द वर्ड इज कॉन्डन नेक्स्ट अ गुड वर्क प्लेस शल नॉट एनकरेज इन एप्टीट्यूड इवन इन अड एन मैनर इनएप्टीट्यूड इसका मतलब होता है incompetence, इनकम्पिटेंस एज इन इनएबिलिटी या फिर इनकेपेबिलिटी ये सारे जो वर्ड्स हैं इनएप्टीट्यूड का मीनिंग यही होता है कि किसी के और इस सेंटेंस में इसका यूज ऐसा किया गया है कि एक अगर अच्छा वर्क प्लेस है तो उसको कभी भी इनकम्पिटेंस या फिर इनकेपेबिलिटी को एनकरेज uh, नहीं करना चाहिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए even in a hidden manner so the correct answer here would be option a incompetence and some other synonyms would be importance importance or inability inability and incapability is another such word which gives out the same meaning as in ineptitude if we talk about the antonyms it would be ability

should not impede one's mother tongue learning. Impede इसका मतलब होता है to interfere और या फिर to slow slow down the progress किसी भी progress को slow कर देना या बाधा डालना that is what impede means. Some synonyms can be hinder, हिंडा इज़ अ सिनोनिमस वर्ड टू दैट या फिर हम यूज कर सकते हैं क्लॉग क्रैम या फिर होल्ड बैक तो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन सी हिंडा एंड दिस आर सम नियर सिनोनिम्स अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इट वुड बी एड एड एक वर्ड है या फिर असिस्ट हेल्प या फैसिलिटेट दोज आर सम वर्ड्स कैन बी यूज नियर एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड आगे बढ़ते हैं ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप डिबेटेड फॉर आर्स इन द मीटिंग एक्सट्रेडिशन एक्सट्रेडिशन का मतलब होता है टू सरेंडर किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस या फिर एलेजेड क्रिमिनल ऑफेंस के लिए अगर ट्रीटी के थ्रू या फिर समझौते के थ्रू अगर कोई सरेंडर करता है कोई लीडर सरेंडर करता है द हेड ऑफ द ग्रुप सरेंडर करता है तो उसको उस वर्ड उस एक्टिविटी को उस एक्ट को हम यूज़ uh, कर सकते हैं टू डिस्क्राइब और दैट्स वर्ड विच वी यूज टू डिस्क्राइब सच एक्टिविटी और सच एन एक्ट द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन डी डिपोर्टेशन डिपोर्टेशन होगा सही सीनोनिम अदर देन दैट एक्सट्रेडिशन इट सिंपली मीन्स टू सरेंडर तो सरेंडर भी एक नियर सिनोनिम इसका हो सकता है सरेंडर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इट वॉज फैट दैट द डिसीजन टू रिमूव द ग्रूप फ्रॉम द एक्सरसाइज वुड बी डेट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन डेट्रीमेंटल इसका मतलब है अनडिज़ायरेबल या फिर हार्मफुल कोई भी चीज़ कोई भी एक्ट या फिर कोई पर्सन कोई आइडिया कुछ भी अगर वो हार्मफुल है तो उसको हम यूज़ करते हैं हार्मफुल का दूसरा नियर सिनोनिमस वर्ड है डेट्रीमेंटल तो डेट्रीमेंटल इट मीन्स समथिंग विच इज और सम वन विच इज़ अनडिज़ायरेबल और हार्मफुल

इस्पेली एल डी सी द अपकमिंग एल डी सी एग्ज़ामिनेशनस तो अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है कोई सीरियस कैंडिडेट्स हैं एस्पायरेंट्स हैं तो हमारे एल डी सी के सजेशन के लिए स्टडी uh, मटेरियल जो अवेलेबल है हमारे पास वो आप ऑप्ट कर सकते हैं इसमें पेपर वन और पेपर टू दोनों कंपाइल किए गए हैं इन अ वेरी हेल्पफुल मैनर की पॉइंट्स को हाइलाइट्स किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स हैं क्वेश्चन के जो कि टीपीएससी में रेगुलरली अपीयर हो रहे हैं उसके बेसिस पर लेटेस्ट पैटर्न पर बेस करके ये स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है और साथ में तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द हमारे स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कीजिए गेटिंग बैक इन टू द सब्जेक्ट लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज दिजिव बेहेवियर हैजू दिचुएशन वी फेस नाउ डिराइज बिहेवियर है सिचुएशन वी फेस नाउ डिराइसिव इसका मतलब होता है सिले कुछ भी हार्मुल uh, इसको नहीं बोल सकते इसको हम एग्जैक्टली uh, हार्मफुल exactly नहीं बोल सकते क्योंकि दैट इज नॉट इंटेंशनल बिहेवियर विच इज डिराइसिव इज नॉट इंटेंशनल बट द रिजल्ट इज एडवर्स रिजल्ट गलत आता है पर वो जो इंटेंशन है वो इंटेंशन गलत नहीं होता पर जो रिजल्ट है वो गलत आ जाता है तो दैट इज वट डिराइसिव मीन्स तो डिराइसिव इसका uh, जो करेक्ट यहाँ पे स्नोनिंग होगा वह होगा कंटेम्पस

एंगेजिंग इसका मतलब है किसी भी फेवरेबल इंटरेस्ट को ड्रॉ करना सामने लाना बढ़ावा देना एनकरेज करना दैट इज द मीनिंग ऑफ एंगेजिंग सो इट इज समिंग ऑफ थिंग दैट इज दैट टेंड्स टू ड्रॉ द फेवरेबल इंटरेस्ट द करेक्ट आंसर हियर वुड बी ऑप्शन बी अपीलिंग and some other synonyms can be alluring and attractive attractive ya phir captivating captivating these are some near synonyms and if we talk about the antonyms then it would be boring yeah dull drop yeah monotonous monotonous which means Lacking variety, so these are some near antonyms of the word engaging. That would be all for today. Thank you for watching the video. Please leave a like if you like the content. Subscribe to our channel to get regular updates. Press that bell icon to get notification whenever we upload a new video. You can also go follow our social media accounts on Facebook, Twitter, and Instagram to get regular updates about daily GK. Current affairs, notifications, job notifications, etc.